नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आर एस रावत और मिस्टीरियस नाइट्स के थर्ड एपिसोड में आपका स्वागत है। मिस्टीरियस नाइट्स एक कोशिश है आपको मनोरंजन के साथ साथ कुछ ज्ञान वर्धन बातें बताने की। या दिखाई गई बातों का मैं ये दावा नहीं करता कि सत्य है या असत्य है। ये सारी चीज़ें मैंने खुद इंटरनेट से इकट्ठा की है और आपके सामने प्रस्तुत की है। आज का एपिसोड बिल्कुल भी डरावना नहीं होने वाला, आप चाहो तो आराम से अकेले में बैठ के देख सकते हो। आज हम बात करेंगे एक ऐसे क्रिएचर की, एक ऐसे जीव की, एक ऐसे दानव की जो कि समुंदर में राज करा करता था, जिसे हम मॉन्स्टर फिश के नाम से भी जाना जाता है, जिसका नाम था मेगालोडॉन शार्क। अगर आज के समय की हम बात करें तो आज के समय में द ग्रेट वाइट शार्क दुनिया की सबसे बड़ी शार्क मछली की प्रजाति है। इनकी लंबाई करीब 15 से 20 फीट तक की होती है और ये आज के समय में समुद्र को डोमिनेट करती है। अगर धरती के पूरे इतिहास को देखा जाए तो इससे भी पहले बड़े बड़े शार्क्स एक्चुअली एग्जिस्ट कर चुके हैं। पर अगर आज तक की सबसे बड़ी प्रजाति की बात करें तो वह है सबसे बड़ी मेगालोडॉन शार्क। जब से धरती का निर्माण हुआ है तब से लेकर आज तक ये दुनिया की सबसे बड़ी शार्क मछली की प्रजाति है। ये ऐसे शार्क की स्पीसीज है जो आज से 26 लाख साल पहले इस धरती पे समुंदर पे राज करा करती थी। कई लोगों का मानना है कि ये इतिहास के छोटे से पीरियड तक ही थी और कुछ सालों बाद ये लुप्त हो गई। लेकिन मेगालोडॉन शार्क बहुत टाइम तक इस धरती पर राज कर चुकी है। ये करीब 28 लाख साल तक इस धरती पर एग्जिस्ट कर चुकी थी, जो कि डायनासोर के पीरियड से भी कम है, जो है 17 करोड़ साल। पर ये ह्यूमन इंसान से ज़्यादा ही है, क्योंकि हम पिछले 2 लाख साल पहले से ही इन्वॉल्व होना शुरू हुए और इससे ये पता चलता है कि ये हमसे भी ज़्यादा समय इस धरती पे रह चुकी है। आज से 26 लाख साल पहले ये एक्सटेंड हो गए और उनके लुप्त होने का कारण आज तक एक रहस्य बना हुआ है। कई थ्योरीज निकली गई, उनमें से सबसे जानी मानी थ्योरीज ये कहती है कि जैसे जैसे वक्त बीतता गया वैसे वैसे नए प्रकार के जीव जंतु समुंदर में पनपने लगे और इसी से रहते ही समुंदर में कंपटीशन बढ़ गया और छोटी मछली को बड़ी शार्क्स खा जा रहे थे। मेगालोडॉन बहुत बड़ी शार्क थी, बहुत बड़ी मछली थी। इसकी लंबाई करीब 60 फीट की थी, जैसे कि आप एरोप्लेन को नाप सकते हो, हवाई जहाज़ को, उससे भी शायद बड़ा होगा। उसे रोज़ 1 टन खाना खाने की ज़रूरत पड़ती होगी। और जो द ग्रेट वाइट शार्क थी वो इन्वॉल्व होना शुरू ही हुए थे और उनकी तादाद बढ़ रही थी, तो इस वजह से शायद मेगालोडॉन शार्क लुप्त हो गई, क्योंकि ये नंबर के टर्म्स में बहुत ही कम थी। और दूसरी थ्योरी ये कहती है कि जब आइस एज आया 35 लाख साल पहले तो उस टाइम बहुत ही ज़बरदस्त क्लाइमेट चेंज हुआ था, शायद इस वजह से मेगालोडॉन शार्क का शरीर इतना योग्य नहीं था, एबल नहीं था कि वो अपने शरीर का तापमान झेल सके, क्योंकि ये मेगालोडॉन शार्क गर्म और उथले पानी में ही रहता था जिंदा, उस टाइम बहुत ही गर्मी रहा करती थी, तो हो सकता है कि ये ख़त्म हो गया हो, या हो सकता है कि ये मेगालोडॉन शार्क उस हिस्से में चली गई होगी जहाँ पानी गर्म रहता हो। पर बाकी मछली तो वहीं कोल्ड वाटर में ही थी और वार्म वाटर में बहुत ही कम ही मछली पाई जाती है। शायद इसी से रहते ही मेगालोडॉन शार्क प्रजाति की ये मछली के लिए खाने की कमी रह गई हो गई और इसलिए शायद वो लुप्त हो गए। मेगालोडॉन शार्क की एक बाइट इतनी खतरनाक होती थी कि जो जिसको भी निकल ले उनके रिब केज यानी कि उसकी हड्डियों को चूर चूर कर देती थी। अगर सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की हम बात करें तो टॉप पे यही रहती थी। डायनासोर से भी ज़्यादा खतरनाक बाइट इस शार्क की हुआ करती थी। अभी की सबसे बड़ी जो शार्क है द ग्रेट वाइट शार्क, अगर उससे इसको कंपेयर करें तो इनसे भी 10 गुना ज़्यादा ताकत इस मेगालोडॉन शार्क में हुआ करती थी। मेगालोडॉन को आप एक तरह से विलन मान सकते हो, क्योंकि अपने से छोटे शार्क्स को खाकर अपना पेट भरती थी। इसकी साइज इतनी बड़ी होती थी कि अगर ये 2-3 स्कूल बस को निकल ले तब भी इसके पेट के अंदर जगह बची रहती थी। मेगालोडॉन अपने जॉस दांतों के लिए फेमस है। इनकी फॉसिल्स दुनिया की हर कोने में मिली है और अजीब बात यह है, जब समुद्र का टेम्परेचर वार्म यानी गर्म था तो ये दुनिया की हर कोने में पाई जाती थी और इसी के चलते इसकी हड्डियां हर सीज में, हर समुन्द्र में मिली है।
जी हाँ, मेगालोडॉन के कई सारे फॉसिल्स मिले हैं। अगर उन फॉसिल्स की हम बात करें सबसे पुराने फॉसिल्स की, तो वो 28 लाख साल पुराने का है। ये आज तक की सबसे पुराने मेगालोडॉन फॉसिल्स की रिकॉर्ड है। इस दुनिया के कई सारे कलेक्टर्स हैं जो शार्क्स के दांतों के रखने की शौकीन हैं, और इन शार्क्स के दांतों की कीमत भी बहुत ज़्यादा होती है। सन 1875 में एक टूटे फूटे जहाज में मेगालोडॉन के दो दांत पाए गए थे। कार्बन रेटिंग से पता चला कि ये दांत 10,000 साल पुराने रहे होंगे। लाखों साल पहले विलुप्त हुई मेगालोडॉन के 10,000 साल पुराने इन दांतों को मिलने से खोजकर्ताओं को बहुत ही ज्यादा हैरानी हुई। उन्हें ऐसा लगा जैसे कि ये मछली कुछ ही टाइम पहले विलुप्त हुई होगी। मेगालोडॉन का एक दांत काफी बड़ा हुआ करता था, ये करीब 7 इंच का हुआ करता था, जो कि $50,000 में बिका था, यानी कि 35 लाख रुपए इंडियन करेंसी पे अगर देखा जाए तो। पर मेगालोडॉन को लेकर आज भी सबसे बड़ा सवाल है, क्या ये आज भी जिंदा है या नहीं। मैं आपको एक बात बता दूं कि समुंदर बहुत ही ज़्यादा विशाल और बड़ा है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो वहाँ नहीं गए आज तक। मैं आपको बता दूं 55% जो समुंदर है वो अनएक्सप्लोर्ड है, उसे ढूंढा नहीं गया अभी तक। जाहिर सी बात है कि अभी इसमें काम चल रहा है, अभी इसमें 1,000 साल और लगेंगे। क्या पता वहाँ पे कैसे कैसे जीव जंतु रहते हो, ये हमें आज तक नहीं पता चला। हो सकता है कि मेगालोडॉन वहीं रहता हो जहाँ पे इंसान नहीं गया हो आज तक। इस दुनिया में हम बहुत सारी घटनाएं सुनते आ रहे हैं, एक बड़े से झांस को एक बड़ी सी शार्क ने निकल लिया हो। ऐसे हजारों नहीं लाखों घटनाएं होती रहती हैं, और ये आज के समय में भी होती रहती है। बड़े शार्क्स के अटैक तो सही है, पर कई मछुआरे और शिप के ओनर ने ये रिपोर्ट किया है, उनकी शिप से भी ज़्यादा बड़ी शार्क्स को उन्होंने देखा है। और ये घटना हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि ये मेगालोडॉन शार्क आज भी जिंदा हो सकता है। पर समुद्र के रिसर्चों का ये मानना है कि मेगालोडॉन आज इस दुनिया में नहीं है, ये एग्जिस्ट नहीं करता। क्योंकि अगर ये एग्जिस्ट करता तो हम समुद्र में अलग अलग प्रजाति को नहीं देख पाते। हाँ, ये बात तो सच है कि अगर वो नॉन समुद्र के पार्ट में होते तो वो हमें मिल जाते। इंटरनेट पे ऐसे कई वीडियोस, फोटोस वायरल हुए हैं जो ये क्लेम करते हैं कि उन्होंने मेगालोडॉन शार्क को देखा है। मैं आपके साथ ऐसी फोटोग्राफ शेयर करना चाहता हूँ जो ये दावा करती है कि इन्होंने मेगालोडॉन शार्क को देखा है। तो आइए देखते हैं कि वो कौन सी फोटोज हैं। तो जैसे कि आपने फ़ोटो देखे कि इसमें ये दावे किए गए कि उन्होंने मेगालोडॉन शार्क को देखा है, और ये प्रूफ है। हो सकता है कि ये फ़ोटोग्राफ नकली हो, पर ये इंटरनेट पे डले हैं, और मेरा ये फ़र्ज बनता है कि मैं आपको ऐसी फ़ोटोग्राफ दिखाऊं। पर इस मेगालोडॉन की सच्चाई आज तक एक रहस्य बनी हुई है जो कोई नहीं जानता कि ये मेगालोडॉन हो भी सकता है या नहीं। आपको क्या लगता है, क्या ये मेगालोडॉन सच में है या नहीं है, तो ये कहाँ है हो सकता है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्त का शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी पता चले। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं आपको बता दूं कि मैं हर मंगलवार रात 8:30 बजे ऐसे ही रहस्य वीडियो लेकर आता रहता हूँ। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।